हेलो, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ द सीरीज। आज की वीडियो के एजेंडे में हम चार टॉपिक्स हैं जो कवर करने वाले हैं, जिसमें से पहला टॉपिक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वी लुकअप। देन वी विल लुक इन डेटा वैलिडेशन, एच लुकअप, कॉनकैटेनेट फंक्शन कैसे काम करता है, एंड लास्ट इज योर डू इट योरसेल्फ एक्सरसाइज, जिसमें आपको वीडियो थ्री जो आज कवर कर रहा हूँ वो, साथ में वीडियो टू जो आपने कल देखी वो, ये दोनों ही वीडियोस आपको काम आने वाली हैं आज की डू इट योरसेल्फ एक्सरसाइज में। आई वोंट बी कवरिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सरसाइज इस वीडियो के अंदर। आई विल वांट यू गाइस कि आप एक बार दोनों वीडियोस को कवर करो, इस एक्सरसाइज को खुद से ट्राई करो, एंड देन आई विल शेयर द सॉल्यूशन वीडियो ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो पहला टॉपिक जो कवर हम करने वाले हैं, दैट इज वी लुकअप, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो भी लोग प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करते हैं, अपनी प्रोफेशन पे काम करना शुरू करते हैं, तो वी लुकअप इज समथिंग जो सबसे कॉमनली पूछा जाता है कि आपको वी लुकअप लगाना आता है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग वी लुकअप, वो कवर करूंगा पहले, एंड कैसे लगाना है वी लुकअप वो हम देखेंगे। सो एक छोटा सा डायग्राम है पहले, वो मैं कवर कर रहा हूँ आपको यहाँ पे, जहां पे हम वी लुकअप के सिंटेक्स को कवर करने वाले हैं। सो फंक्शन वी लुकअप है, जहां पर सिंटेक्स में आप देख लो चार चीजें वो आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट चीज वो पूछ रहा है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, क्या वो वैल्यू है जो आप लुक करना चाहते हो, देखना चाहते हो, लुकअप वैल्यू जिसको वो नाम दे रहा है। सेकंड, इस टेबल एरे, टेबल एरे वो जगह है जहां पर उस वैल्यू को आप ढूंढना चाहते हो जाके। वो हो सकता है सेम शीट के अंदर हो सकता है वो किसी अलग शीट के अंदर बैठा हो। तो पहला कौन सी वैल्यू ढूंढनी है वो डिसाइड करेंगे, देन वो वैल्यू को कहां पर जाके ढूंढना है वो टेबल एरे हम डिसाइड करेंगे। थर्ड इनपुट जो हमारा है, दैट इज कॉलम इंडेक्स नंबर। व्हाट इज कॉलम इंडेक्स नंबर, ये एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। अभी हम ऐसा समझ लेते हैं, फॉर एग्जांपल जब मैं कोई भी टेबल सिलेक्ट करूंगा तो मुझे उसमें वो कॉलम की पोजीशन बतानी है जिसको मैं कॉल करना चाहता हूँ। ये एग्जांपल के थ्रू बेटर क्लियर होगा। एंड लास्ट इज योर रेंज लुकअप, कि आप जो वैल्यू कॉल करना चाहते हो, जो ढूंढना चाहते हो, वो वैल्यू आप अप्रोक्सीमेट भी मिल जाए आपको तो भी वो वैल्यू पिक कर ले एक्सेल आपके लिए, या फिर आप चाहते हो एकदम एग्जैक्ट वही वैल्यू मिले तो वो आंसर के लिए पिक करे, अदरवाइज वो आंसर के लिए वैल्यू को पिक ना करे। ये चार चीजें हैं। इस तरह से कभी भी समझ में नहीं आएगा जो मैंने बोला, दो चीजें बस यहां से क्लियर हो जाती हैं, क्या ढूंढना है वो समझ में आना चाहिए और कहां ढूंढना है वो समझ में आ जाएगा। व्हाट इज दिस कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप, ये अपने एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सो बहुत छोटा सा एक टेबल में यहाँ पे आपको डेटा दे रहा हूँ, जहां पर हम मंथली अगेन सेल्स लेके चल रहे हैं और उनका प्रॉफिट लेके चल रहे हैं। अब मैं चाहता हूं यहां पर आप कॉल करो, मतलब ऐसा नहीं सेल्स को कॉल करो, प्रॉफिट को कॉल करो, मतलब ऐसा नहीं करो आपके ऊपर से क्वार्टर वन दिख रहा है तो सेल्स चाहिए उसकी, तो यहाँ से कंट्रोल सी करा और यहाँ कंट्रोल वी कर दिया। अगेन दीज थिंग्स विल वर्क अगर बहुत छोटा सा ऐसा डेटा मेरे पास आता है। रियल लाइफ में हमारे पास देर आर मल्टीपल रोज, जहाँ पे 1000, 2000, 10000 रोज तक डेटा हमारा जाता है, तब एक एक वैल्यू को ढूंढ के ऐसे कॉपी कर पाना हमारे लिए कभी पॉसिबल नहीं होता। तो हम चाहते क्या है कि क्वार्टर वन के लिए सेल्स वो वहां से लुक करके पिक करके मेरे को आंसर दे दें। तो सिंटेक्स यूज करना स्टार्ट करते हैं। फंक्शन था हमारा वी लुकअप, टैब दबाया जैसे फंक्शन को कॉल कर रहे थे। तो सबसे पहले चीज हमें बतानी थी लुकअप वैल्यू, कि कौन सी वैल्यू है जो हम ढूंढना चाहते हैं। तो हमने बोला क्वार्टर वन वो वैल्यू है जो ढूंढे जाके, क्योंकि मैं सेल्स किसकी देखना चाहता हूँ, क्वार्टर वन की देखना चाहता हूँ, तो जो वैल्यू वो ढूंढे जाके टेबल के अंदर वो क्वार्टर वन है। सेकंड चीज हमें क्या बतानी है, टेबल आ रहे कहां पर जाके वो ढूंढे क्वार्टर वन को। तो हमने बताया ये वो टेबल है पूरी, शिफ्ट के साथ हम सिलेक्ट कर लेंगे, दिस इज द टेबल जिसके अंदर जाके वो क्वार्टर वन को ढूंढेगा। तो दो चीजें क्लियर, क्या ढूंढना था क्वार्टर वन, कहां ढूंढना था वो पूरा टेबल हमने सिलेक्ट करके दे दिया। अगेन कॉमा। थर्ड चीज जो हमसे मांग रहा है, दैट इज कॉलम इंडेक्स नंबर। व्हाट इज दिस कॉलम इंडेक्स नंबर, तो मैंने बोला यहां पर जो फिगर आप पुल करना चाहते हो क्वार्टर वन के लिए, वो सेल्स की फिगर पे पुल करना चाहते हो, तो जो टेबल मैंने सिलेक्ट करा है उस टेबल में सेल्स कौन से कॉलम में बैठा हुआ है। तो हमारा जो टेबल हमने सिलेक्ट करा उसके अंदर तीन कॉलम है, मंथ की पोजीशन वन है, सेल्स की पोजीशन टू है, प्रॉफिट की पोजीशन क्या है अपनी थ्री है। तो सेल्स कौन सी पोजीशन पे बैठा है, तो हमने बोला सेकंड पोजीशन पे बैठा है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। देन कॉमा, कि जो वैल्यू वो ढूंढे जाके वो अप्रोक्सीमेटली मैच करनी चाहिए या एग्जैक्ट मैच करनी चाहिए। ये ट्रू फॉल्स आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हो, यहाँ पे टैब के साथ सिलेक्ट भी कर सकते हो। मैं चाहता हूँ सपोज एग्जैक्ट मैच, तो मैंने डाउन एरो की यूज करी कीबोर्ड की, टैब दबाया, यहाँ फॉल्स लिखा हुआ आ गया और एंटर प्रेस करा, उसने ऑटोमेटिकली वहां पे 500 पिक कर लिया। क्लियर है, मैं दोबारा से इस पूरे एक्सरसाइज को रिपीट करूंगा प्रॉफिट के लिए। अभी मैं क्या पुल कर रहा था, सेल्स। अब सपोज मैं पुल करना चाहता हूँ यहाँ पे प्रॉफिट, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला वी लुकअप, ये मेरा फंक्शन है। फर्स्ट चीज वो वैल्यू जो ढूंढनी है वो देखो पहले, तो वो हमारी यहाँ बैठी हुई है क्वार्टर वन। कहां पर ढूंढनी है वैल्यू, तो हमने बोला इसी टेबल के अंदर ढूंढनी है वैल्यू। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर,
अब मैं क्या कॉल करना चाहता हूँ, तो जो टेबल मैंने सिलेक्ट करी उसमें से मैं प्रॉफिट को कॉल करना चाहता हूँ, और प्रॉफिट का अगर कॉलम का पोजीशन देखूं तो दैट इज माय थर्ड पोजीशन, दैट इज माय थर्ड पोजीशन, तो मैं थ्री सिलेक्ट करूंगा। एंड देन कॉमा, फिर से पूछ रहा है ट्रू या फॉल्स। अब या तो मैं ट्रू फॉल्स फिर से सिलेक्ट करूं, इसका एक और शॉर्टकट है वो बता देता हूं, अगर आप यहां जीरो टाइप करोगे दैट मीन्स फॉल्स, आप वन टाइप करोगे दैट मीन्स ट्रू। हम मैक्सिमम टाइम एग्जैक्ट मैच ही ढूंढना चाहते हैं, इसलिए हम जीरो को ही मैक्सिमम टाइम यहाँ पे लिखेंगे। जीरो लिखा, ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर दबाया, उसने आपके लिए प्रॉफिट पुल करके दे दिया, दैट इज 100। क्लियर है क्या बोलना चाह रहे हैं? आप सपोज यही एक्सरसाइज में रिपीट करना चाहता हूं, मैं अभी मैनुअली फॉर्मुला लगाऊंगा, ड्रैग नहीं करूंगा जानबूझ के, क्योंकि मुझे एक बार और फॉर्मुला आपके लिए क्लियर कर देना। सपोज क्वार्टर थ्री के लिए पुल करना चाहता हूँ, तो मैंने बोला वी लुकअप, सॉरी वी लुकअप क्या लुक करना है, तो बोले क्वार्टर थ्री लुक करना है, कॉमा कहां पे लुक करना है, सो दिस इज द टेबल जहां पे मुझे जाके ढूंढना है उसको, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो मैं सेल्स को पुल करना चाहता हूं, तो सेल्स इज एट सेकंड पोजीशन, तो कॉमा टू कॉमा जीरो। ट्रू फॉल्स लिखने की बजाय हम क्या लिखेंगे, जीरो और वन। एंटर दबाया, उसने क्या पुल कर दी मेरे लिए, सेल्स पुल कर दी। सिमिलरली यहां पे जाऊंगा वी लुकअप, क्या ढूंढना है, क्वार्टर थ्री कहां ढूंढना है, तो ये मेरी टेबल है जहां पे ढूंढना है, कॉमा क्योंकि अब प्रॉफिट को पुल करना है तो दैट इज पोजीशन नंबर थ्री, कॉमा जीरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये मेरा आंसर निकल के आ गया। ये ट्रू और फॉल्स, इसका यूज भी मैं आगे एक एग्जांपल के अंदर आपके लिए कवर करूंगा, अभी के लिए आप मान के चलो कि मैक्सिमम टाइम क्या यूज करेंगे, फॉल्स, वी आर लुकिंग फॉर एग्जैक्ट मैच, वी आर लुकिंग फॉर एग्जैक्टली वो वैल्यू ढूंढ दे और वो मेरे लिए क्या करे, उसको पुल करे। सो आप वीडियो पॉज करके क्वार्टर टू और एक बार क्वार्टर फोर के लिए ट्राई करोगे कि आप ये दोनों फिगर्स को पॉपुलेट करवा पा रहे हो या फिर पॉपुलेट नहीं करवा पा रहे हो। मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट एग्जांपल पे अपने। तो अगेन मेरे पास एक और डेटा है जहां पे मेरे को कुछ एम्प्लॉइज की आईडी, उनका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, उनकी ईमेल आईडी और उनका फोन नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और यहां पे मैंने लिख दिया है आपके लिए कि आईडी इज माय फर्स्ट कॉलम, लास्ट नेम क्या है मेरा सेकंड कॉलम, फर्स्ट नेम है थर्ड, ईमेल है फोर्थ और फोन है मेरा फिफ्थ। और आपको करना क्या है, लुकअप एंड फिल डेटा, आपके पास ऑलरेडी होगी। तो एक चीज और यहां पे मैंने हिंट में लिखा है कि वी लुकअप कभी भी लेफ्ट में जाके डेटा लुक नहीं कर सकता है। मतलब जब भी आप टेबल सिलेक्ट करोगे रेफरेंस के लिए, फॉर एग्जांपल आप मानो यहां पे आपने टेबल सिलेक्ट कर ली और आप बोलो कि ये लास्ट अपने लेफ्ट में चले जाए लास्ट के, तो वो कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा। वी लुकअप हमेशा जो भी टेबल आप सिलेक्ट करोगे उसके राइट में ही डेटा देख सकता है, उसके लेफ्ट में जाके वो कभी भी डेटा नहीं देख पाएगा। यानी अगर आपको आईडी के लिए कुछ कॉल कराना है तो दैट हैज टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द डेटा। आईडी के लिए कुछ लेफ्ट में अगर लिखा हुआ है तो मैं कभी भी उसको कॉल नहीं करवा पाऊंगा। दिस इज लिमिटेशन ऑफ योर वी लुकअप फंक्शन। चलो, क्योंकि वी लुकअप लुकअप्स द वैल्यू टू द राइट ऑफ द सेल, उसके राइट में जो डेटा होगा वो आप ढूंढ सकते हो, लेफ्ट वाला डेटा को वो कभी भी लुक नहीं कर पाएगा। तो इसको आप एज एन एक्सरसाइज भी ट्राई कर सकते हो, अगेन ट्राई, वीडियो को पॉज करके आप कोशिश करो। टास्क बहुत सिंपल सा है, कुछ एम्प्लॉयज की यहाँ आईडी दी है, जब ऊपर डेटा दिया था आपको तो रैंडम डेटा दिया हुआ है ऊपर नीचे करके, और यहाँ भी रैंडमली सपोज कोई भी एम्प्लॉय लिखा है, मुझे उस एम्प्लॉय का लास्ट नेम कॉल करना है, मुझे उस एम्प्लॉय का ईमेल कॉल करना है और उसका फर्स्ट नेम कॉल करना है। और अब मैं चाहूंगा कि मैं फॉर्मूला सिर्फ इन तीन सेल्स में लगाऊं और उसको नीचे ड्रैग कर दूं ताकि ऑटोमेटिकली सारे एम्प्लॉयज के लिए चीजें क्या हो जाए, मेरी फिल हो जाए, तो मुझे अपना फिल हैंडल को भी यूज करना पड़ेगा। दैट वॉज डिस्कस इन द फर्स्ट वीडियो। क्लियर है? आप पॉज करो, ट्राई करो कॉल करने का डेटा को, मैं सॉल्यूशंस के साथ प्रोसीड कर रहा हूं। तो मैंने बोला वी लुकअप, ढूंढना क्या है जाके, तो मैंने बोला इस आईडी को ढूंढना है, कॉमा कहां ढूंढना है इस आईडी को, तो हम ऊपर लेके गए भाई, हमने बोला ये टेबल है मेरी, तो शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट राइट कंट्रोल शिफ्ट डाउन, पूरी टेबल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई मेरी, कॉमा हमने बोला पुल क्या कराना है आपको, तो बोला लास्ट नेम को पुल कराना है। अब जो टेबल मैंने सिलेक्ट करी है उसमें लास्ट नेम कौन से कॉलम की पोजीशन पे आता है, तो बोले सेकंड कॉलम की पोजीशन पे आता है, तो कॉमा टू कॉमा जीरो, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर एग्जैक्ट मैच नॉट अप्रोक्सीमेट मैच। हमने एंटर दबाया, उसने बोला इस आईडी वाला जो भी इंप्लॉई है उसका लास्ट नेम है लेफ्ट, चेक करना है आप जाके चेक कर सकते हो, 42 जहां पे एंड हो रही है इसकी आईडी, उसका लास्ट नेम क्या है आपका, लेफ्ट, ठीक। अब पहले मैं इसी को ड्रैग करके नीचे चेक कर लेता हूँ कि बाकी सबके लिए सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक गलती जो हम कॉमनली कर देंगे अगेन यहाँ पे, वो ये है कि जब आपने पहली बार फॉर्मूला लगाया है तो उसने टेबल रेफरेंस जो यूज करा है, सेल रेफरेंस, वो A18 से E25 यूज करा है। A18 से E25 है हमारी ये वाली टेबल पूरी, कि A18 से शुरू है
और कहां तक गए हम अपने E25 तक गए। जब मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूं सपोज फॉर्मूले को यहां पे कंट्रोल सी और नीचे कंट्रोल वी, तो आई विल नोटिस कि मेरी टेबल का रेफरेंस चेंज हो गया A19 से E26। A19 से E26 का मतलब है जो अब जो उसने सिलेक्शन करा है वो इतना करा है। आंसर अभी भी आ जाएगा क्योंकि अभी भी जो काम की चीजें हैं वो सारी सिलेक्टेड है मेरी। फिर मैं इसको मान लो एक बार कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करता हूं, तो अब जो सेल्स वो सिलेक्ट कर रहा है वो A20 से E27 कर रहा है। तो A20 का मतलब ये से लेकर E27 तक, यानी नीचे वाले दो खाली सेल्स। ये हमने पहली क्लास में समझा था सेल रेफरेंस, कि जैसे जैसे मैं जिस ऑर्डर में मैं चीजें पेस्ट करूंगा वही चीजें मेरी रिफ्लेक्ट होती चली जाएंगी। तो मैं क्योंकि अपने फॉर्मूले में क्या चेंज कर रहा हूं, एक एक सेल डाउन आता जा रहा हूं, तो वो एक एक रो को वो भी क्या करता जा रहा है, डाउन करता जा रहा है। सो इट इज एडवाइजेबल कि यहां पर मैं क्या करूं, इसको लॉक करूं, ताकि ये बार बार जो नीचे से रख रहा है मेरा टेबल वो नीचे की तरफ ना खिसके। तो F4 और F4 इंटर। और अब अगर मैं ड्रैग करता हूं इसको नीचे की तरफ, तो वी विल नोटिस कि मेरे उस टेबल का रेफरेंस किसी भी सेल के अंदर चेंज नहीं हो रहा है, होना भी नहीं चाहिए। एक ऑप्शन तो ये था। एक ऑप्शन हमने लास्ट क्लास में भी देखा, दैट इज यूजिंग नेम मैनेजर, जो मैं यहां पे कवर कर देता हूं। फॉर एग्जांपल कि मैंने कहा बार बार तो मुझे यही टेबल को पूरा सिलेक्ट करना है, बार बार जाके सिलेक्ट करूंगा, इससे बेटर क्या है कि नेम मैनेजर में जाके इसको नाम दे दूं। सपोज इसको मैंने नाम दे दिया डेटा, डेटा ही नाम दे दिया मैंने सपोज इसको, कि मैंने इस पूरी टेबल को नाम दे दिया अपना डेटा। और मैंने बोला अब वी लुकअप लगाते हैं यहाँ पे, कि वी लुकअप क्या बोले, ये वैल्यू को ढूंढना है कहां पर, तो अब टेबल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज मैंने उसको नाम क्या दे दिया डेटा। और मैंने बोला लास्ट क्लास में कि नेम मैनेजर वाली चीजें किससे हाईलाइटेड होंगी, आपकी येलो से डेटा। अब कौन से कॉलम को कॉल करना है, मैंने बोला जिसके अंदर ईमेल लिखा हो, तो ये मेरी टेबल है जो हाईलाइटेड भी ऑलरेडी, ईमेल इसका फोर्थ कॉलम है, तो comma 4, comma 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये जो एम्प्लॉई है इसका ईमेल यहां पे कॉल हो गया, और अब चाहूं तो इसी को क्या कर सकता हूं, नीचे ट्रैक कर सकता हूं, बिकॉज सेल रेफरेंस के थ्रू चीजें मेरी फिक्स हो गई हैं जिनको फिक्स होना है, ऑटोमेटिकली सबका ईमेल क्या आता जा रहा है, नीचे कॉल होता चला जा रहा है। एंड सिमिलरली आई कैन कॉल सबका फर्स्ट नेम, कि इसको ढूंढना है जाके, कहां ढूंढना है बोले डेटा के अंदर, क्या कॉल करना है तो बोले फर्स्ट नेम, तो मेरे डेटा के अंदर फर्स्ट क्या है, थर्ड कॉलम है, तो comma 3, comma 0 इंटर। और इसको भी हम ट्रैक कर सकते हैं यूजिंग कंट्रोल डी या फिर अपना फिल हैंडल। अब फायदा क्या है इसका वो देखना आप उठा के। सपोज मेरा मन करा कि ये 40 वाला जो लाइव आईडी है इसको मैं लास्ट में यहां कॉपी कर देता हूं, ऑटोमेटिकली सारा डेटा चेंज हो गया। ये 37 वाली जो आईडी है इसको उठा के मैं फर्स्ट में कॉपी कर देता हूं, ऑटोमेटिकली मेरा डेटा सारा चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने वी लुकअप में किसका रेफरेंस दिया, सेल में, वो जाके इस डेटा को ढूंढेगा और ऑटोमेटिकली वहां से चीजें क्या करेगा, कॉल करेगा। अब प्रोफेशनल लाइफ में कहां पे काम आता है, आपके पास दो अलग अलग शीट्स पे सेम तरह का डेटा है, आप चाहते हो कि एक शीट पे तो लोगों की आईडी दे दी गई और एक किसी डिफरेंट शीट पे उनका ये सारा नाम नंबर ये सब कुछ दे दिया गया, और वहां से उठा के आपको डेटा अपनी शीट में लेके आना है, तो आप कॉपी पेस्ट तो कर नहीं पाओगे कि एक एक आईडी को ढूंढूं, फिर उसका फर्स्ट नेम ढूंढूं, फिर लाके पेस्ट करूं, फिर लास्ट नेम ढूंढूं लाके पेस्ट करूं, वो हम कर नहीं पाएंगे। तो हम वहां पर क्या यूज कर सकते हैं अपना वी लुकअप, कि मैं यहां पे बोलूं वी लुकअप इस वैल्यू को ढूंढे और वहां से जिस चीज को कॉल करना है उसका कॉलम पोजीशन दे दूं, वो डेटा आपका यहां पर कॉल होके आ जाएगा। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ वी लुकअप, मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंक्शन जब भी आप काम करोगे, बिकॉज जब रियल लाइफ डेटा आता है वो नीट एंड क्लीन डेटा नहीं होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर में प्रोसेस करने के लिए उसको पहले हमें क्लीनिंग करना पड़ेगा, उसको एक जैसा बनाना पड़ेगा डेटा को, तो वो बनाने की तरफ एक चीज काम आती है आपको वी लुकअप। एक और एक्सरसाइज आपके लिए वी लुकअप की, जहां पे मैं आपका अप्रोक्सीमेट मैच वाली चीज भी क्लियर करूंगा। अभी पहले एग्जैक्ट मैच से ही चलेंगे ताकि सिंटेक्स हमारा क्लियर हो जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। सो सपोज ये किसी स्टूडेंट का डेटा है हमारे पास, कि कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 में वो क्या क्या मार्क्स लाए, और ये उनका एवरेज कैलकुलेटेड है। अभी यहाँ कैलकुलेटेड है, वरना चाहो तो आपको पता है कैलकुलेट कैसे करना है, ये लास्ट क्लास में हमने कवर करा, कि मैं चाहूँ तो क्या लगा सकता हूँ यहाँ पे एवरेज फंक्शन, कि इन तीनों का मुझे एवरेज चाहिए। अभी आपके लिए वो कैलकुलेटेड है। सो हमारा काम क्या है, ये इस तरह से हम ग्रेड असाइन करते हैं, कि स्टूडेंट का एवरेज स्कोर अगर क्या होता है 10 या 10 के ऊपर होता है तो हम उसे पास मानते हैं, 12 या 12 के ऊपर होता है तो गुड मानते हैं, 14 या 14 के ऊपर होता है वेरी गुड, 16 या उसके ऊपर होता है तो एक्सीलेंट मानते हैं, और ये उसके एवरेज स्कोर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। आपका काम क्या है कि स्कोर को लुकअप कराऊं,
इस स्कोर को मैं लुकअप कर रहा हूँ कहाँ रखे इस टेबल में, और उसके अकॉर्डिंग उसका ग्रेड असाइन होता चला जाए। तो मैंने बोला वी लुकअप लगाते हैं। लुकअप क्या करना है, मैंने बोला इस स्कोर को लुकअप करना है कहाँ पर, तो मैंने बोला ये टेबल में लुकअप करना है, इस टेबल के बाहर नहीं जाना है, और टेबल को क्या कर देना है फिक्स, क्यों बार बार यही टेबल लुकअप करना है, वरना नीचे आऊंगा तो टेबल हमारी नीचे की तरफ शिफ्ट होती चली जाएगी, कॉमा। क्या करना है, बोले ग्रेड को कॉल करना है। तो हमारी टेबल क्या है, इसमें दो ही कॉलम है, फर्स्ट में हमारा स्कोर है, सेकंड पे हमारा ग्रेड है, तो कॉमा टू एंड कॉमा जीरो करता हूं एक बार। तो जीरो का मतलब क्या है, वी आर लुकिंग फॉर एग्जैक्ट मैच, कि टेबल में मुझे क्या दिखना चाहिए, 10.67 दिखेगा तो 10.67 के सामने की वैल्यू को हम कॉल कर लेंगे, बट मेरे एवरेज स्कोर वाले कॉलम में कहीं पे भी 10.67 नहीं है। दिस इज द केस जहां पर हम क्या यूज करेंगे अपना अप्रोक्सीमेट मैच, कि जो नंबर इसके अप्रोक्सीमेटली क्लोज हो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, वैल्यू पिक कर लेगा। तो जो चेंज मुझे करना है फॉर्मूले में, वो एग्जैक्ट मैच की जगह अप्रोक्सीमेट मैच, यानी जीरो की जगह क्या कर देना है वन, या फिर क्या लिख देना है मुझे ट्रू, वो आपका कॉल है। आई विल प्रेफर राइटिंग वन। मैंने वन करा, उसने मुझे ग्रेड क्या दे दिया, पास। पहले उसने क्या दिया था, हैश रहने, क्योंकि वो वैल्यू उसको मिल ही नहीं रही थी 10.67। उसने इस वैल्यू को ढूंढा, यहाँ लुक करने की कोशिश करी, वो वैल्यू उसको मिली नहीं, उसने बोला हैश रहने, वो वैल्यू यहाँ प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हम ढूंढ रहे थे एग्जैक्ट मैच। जैसे ही हमने उसमें ट्रू करा कि हम अप्रोक्सीमेट मैप से काम चला लेंगे, उसने वैल्यूज क्या कर दिया, आपको देनी शुरू कर दी। अब अगर इसको आप कंट्रोल डी करके नीचे लेके आते हो, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी सारे ग्रेड्स असाइन कर देगा। तो 11.67 में क्या दे रहा है, वो आपको पास दे रहा है, 8.33 में क्या दे रहा है, आपको फेल दे रहा है, 12 एग्जैक्ट मैच जाता तो भी मिल जाता मुझे आंसर, 15 वेरी गुड दे रहा है, 8 पे क्या दे रहा है आपको, फेल दे रहा है, 7.33 पे क्या दे रहा है आपको, एक्सीलेंट दे रहा है, चलेगा। रियल लाइफ में हालांकि मैक्सिमम टाइम एग्जैक्ट मैच ही काम आ रहा होता है, अगर डेटा बहुत ज्यादा ही मैसी है तो कभी कभी हम अप्रोक्सीमेट मैच लगा सकते हैं कि एक बार क्लोज वाली वैल्यू से ढूंढ ले, अदरवाइज आप हमेशा लास्ट चीज जीरो ही एंटर कर रहे होंगे। तो एक छोटा सा और एक्सरसाइज आपके लिए वी लुकअप पे ही, ताकि पूरा आपका फंडा क्लियर हो जाए इसका। तो एक छोटा सा टेबल और है जहां पे आपको क्या दिया है सेल अमाउंट, उसके अकॉर्डिंग क्या दी गई है आपको कुछ रेटिंग और कमीशन पेड। तो कह रहा है कोई अगर जो नाम का एजेंट है तो सेल करता है 7,000 रुपए की, तो उसको कितना कमीशन मिलना चाहिए। तो हमने बोला वी लुकअप क्या ढूंढना है जाके, तो हमें ढूंढनी है ये वैल्यू, कहाँ ढूंढनी है, तो हमने बोला वैल्यू ढूंढनी है इस टेबल के अंदर, कंट्रोल शिफ्ट राइट कंट्रोल शिफ्ट डाउन, टेबल सिलेक्टेड। अभी एक ही जगह फॉर्मूला लगाना है तो इसलिए उनको फिक्स करने की एफर्ट वाकई कोई जरूरत है नहीं, कर देंगे तो कोई नुकसान भी नहीं है। कॉमा कॉल क्या करना है, कमीशन पेड। तो जो टेबल हमने सेलेक्ट करी उसमें कमीशन पेड इज दी थर्ड कॉलम, तो कॉमा थ्री कॉमा एक बार जीरो करते हैं। जीरो का मतलब एग्जैक्ट मैच, आंसर मिल जाएगा क्योंकि 7,000 वहां पे प्रेजेंट था इसलिए मुझे आंसर मिल गया। अब मान लो कोई एजेंट ऐसा है एक बार के लिए जिसने 6,000 रुपए की सेल करी, तो उसके हिसाब से तो कमीशन मिलना नहीं चाहिए उसको, जबकि ऐसा तो नहीं बोल रहा है। तो अगेन वहां पे मैं किसका सहारा ले सकता हूँ जाके अपना, उसको मैं एग्जैक्ट मैच ना करा के क्या कराऊं, उसको मैं अप्रोक्सीमेट मैच करा लू। आई होप ये फंडा क्लियर है कि व्हाट इज एग्जैक्ट मैच एंड व्हाट इज अप्रोक्सीमेट मैच। हम मैक्सिमम टाइम एग्जैक्ट मैच में जा रहे होंगे, लेकिन अगर आप केस को समझोगे तो आपको यहाँ समझ में आ जाना चाहिए कि 1000 वाले को अगर 20 का कमीशन मिल रहा है, 2500 वाले को 100 का कमीशन मिल रहा है, तो 6000 वाले को भी मिलेगा, जीरो तो हो नहीं जाएगा आपके लिए। तो उस केस में मुझे इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एग्जैक्ट मैच मुझे क्या जाना चाहिए था, मुझे अप्रोक्सीमेट मैच के लिए जाना चाहिए था। तो अगर मैं इसको एक बार के लिए जीरो की जगह सपोज कर दूं वन, तो मेरे पास आंसर आएगा, और आंसर क्या होगा मेरा 100, क्योंकि जब 7000 और उसके ऊपर वैल्यू आएगी तो वो क्या देता है मुझे आंसर अपना 250। सो वी लुकअप, फिर से सिंटेक्स कवर कर दे रहा हूं, पहला चीज क्या है कौन सी वैल्यू को ढूंढना है, दूसरा कहां पर ढूंढना है, दैट इज माई टेबल एरे, जिसको मैं नेम फंक्शन नेम मैनेजर के थ्रू भी जाके डिफाइन कर सकता हूँ। कॉलम इंडेक्स इज द पोजीशन ऑफ द चीज जो आप कॉल करना चाहते हो, वो कौन से कॉलम नंबर पे बैठी हुई है, और रेंज लुकअप इज आप एग्जैक्ट मैच चाहते हो या फिर आप अप्रोक्सीमेट मैच चाहते हो। सो अब यही वी लुकअप वाली एक्सरसाइज मैं कवर करूंगा यूजिंग डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके कैसे कॉल करना है इसका शॉर्ट दो मेथड्स हैं वो मैंने यहाँ पे कवर करे हैं। एक मेथड है कि अपने माउस के थ्रू आप जाओ और डेटा वैलिडेशन को कॉल करो, तो उसके लिए मैंने पूरा सिंटेक्स यहाँ पे लिख दिया कि आप पहले ऊपर यहाँ डेटा में जाओगे, डेटा के बाद आपको क्या मिलेगा, ये डेटा वैलिडेशन मिलेगा यहाँ पे, और वैलिडेशन क्राइटेरिया में आप क्या सिलेक्ट करोगे, लिस्ट। अलाउ के अंदर क्या सिलेक्ट करोगे जाके आप, लिस्ट।
एक तरीका तो इस बॉक्स को कॉल करने का ये है, और दूसरा तरीका इसी को कॉल करने का है ऑल्ट देन डी एंड देन एल, एक एक करके प्रेस करोगे आप। प्रेस आप ऐसा नहीं कीज प्रेस करके रखोगे, ऑल्ट प्रेस करके छोड़ दोगे, देन डी प्रेस करोगे, देन एल प्रेस करोगे, आपके पास फिर से वही विंडो निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करना है, लिस्ट, और फिर सोर्स में क्या करना है वो आपको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक बार के लिए मैं इसे कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो डेटा वैलिडेशन कॉल करना, शॉर्टकट याद रखना चाहो शॉर्टकट याद रखो, या फिर ऊपर आप माउस से ड्रैग करके किसी चीज में जाना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। तो डेटा मेरा सेम है जो डेटा अभी ऊपर यूज करा, काम क्या है, क्रिएट अ डेटा वैलिडेशन ऑन आईडी, यानी आईडी के ऊपर डेटा वैलिडेशन बनाना है एंड अपने रिमेनिंग कॉलम्स को उसके साथ लिंक करते चले जाना है। इसका मीनिंग क्या है पहले वो समझते हैं। कहता है वैलिडेशन जो बनाना है वो आईडी यानी इस सेल में बनाना है। तो सबसे पहले जहां पर वैलिडेशन बनाना होता है आप उस सेल पे पहुंच जाओ, मैं जहां भी डेटा वैलिडेशन बनाना चाहूंगा उस सेल पे पहुंचूंगा। इस केस में वो सेल मेरे लिए ये वाला सेल है जो A76 है, कि A76 में मैं डेटा वैलिडेशन बनाना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूं, कि दिस इज द सेल A76 जहां पर मैं डेटा वैलिडेशन क्रिएट करूंगा। शॉर्टकट था ऑल्ट डी एल, ये मेरे पास विंडो खोल के आ गई। अलाउ में मुझे क्या सिलेक्ट करना है, लिस्ट, लिस्ट सिलेक्ट कर ली। देन ये सोर्स क्या है, तो आप क्लिक करोगे यहां पर, और जब आप यहां पे क्लिक करोगे तो जो लिस्ट आपको देनी है डेटा वैलिडेशन के लिए, तो सारी आईडीज की लिस्ट हमने बना दी कि ये पूरी लिस्ट है हमारी जो हमने सिलेक्ट करी। हमने एंटर बटन दबाया, ये पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको सिलेक्टेड दिखाई दे रही है कि A66 से A72, और ये लॉक है, मतलब ये अगर आप सेल चेंज करते जाओगे तो ये चेंज नहीं होगी। एंड प्रेस ओके। आप नोटिस करोगे कि यहां पर एक ड्रॉपडाउन बन के आ गया, और उस ड्रॉपडाउन के अंदर ये सारी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है जो आप यहाँ पर देख रहे थे ऊपर, कि हर एक आईडी को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक एक करके कॉल कर सकते हो अगर आप करना चाहो कुछ भी, जो भी डेटा जो भी लिस्ट आप दोगे उसी में से ऑप्शंस आपको यहां पर दिखाई देंगे। सॉरी, तो टास्क क्या है, अब क्रिएट अ डेटा वैलिडेशन ऑन आईडी, वो क्रिएट करना अपने को आ गया। पहला काम उस सेल पे पहुंचना जहां पर डेटा वैलिडेशन बनाना है, देन ऑल्ट डी एल जिससे हमारी ये विंडो खुलेगी, देन सोर्स में जाके गिव दी लिस्ट का सिलेक्शन पूरा, कि कहां से कहां तक की लिस्ट आप बनाना चाहते हो, ओके प्रेस करोगे आपका डेटा वैलिडेशन क्रिएट हो जाएगा। अब मैं यूज कर रहा हूं इसके अंदर वी लुकअप फंक्शन, क्या लुकअप करना है, मैंने बोला सॉरी लुकअप करनी है ये वैल्यू, क्या लिखा है यहाँ पे अभी मुझे इससे मतलब नहीं है, ठीक है, ये 8801039 है, 10040 है, डजंट मैटर, उसको भूल जाते हैं। इस सेल में जो भी वैल्यू रखी होगी उसको ढूंढना है, हमने बोला कहां पे ढूंढना है, तो हमने बोला इस टेबल के अंदर ढूंढना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट कंट्रोल शिफ्ट डाउन, टेबल सिलेक्ट हो गई, F4 करके टेबल को क्या कर दिया लॉक, अगर ड्रैग करना हो कभी तो, हालांकि यहां ड्रैगिंग की मुझे जरूरत नहीं है। और क्या कॉल कर ले हम उसका, लास्ट नेम, तो इस टेबल में लास्ट इज योर सेकंड कॉलम, और हम ढूंढेंगे एग्जैक्ट मैच, एंटर। तो जो 8801039 आईडी वाला आदमी है उसका लास्ट नेम इज टैगपुर। डेटा वैलिडेशन का फायदा क्या है वो देखते हैं। मैंने ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लिया 40, और क्या देखा ऑटोमेटिकली उसका नाम यहाँ पे क्या चेंज हो गया, कॉलर, जो मैंने मान लो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया 36, ऑटोमेटिकली उसका नाम चेंज हो गया। जो काम मैंने ऊपर एक एक आदमी के लिए ड्रैग करके करा था, जो मैंने यहाँ पे काम करा है, वो काम डेटा वैलिडेशन ने मिले और छोटा कर दिया, कि आप एक ही बार फॉर्मूला लगा लो, जो आईडीज है उनके लिए डेटा वैलिडेशन से ड्रॉप डाउन बना लिया, जो आईडी आप सिलेक्ट करोगे उसका डेटा यहां पर क्या होगा आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या बोलना चाह रहे हैं डेटा वैलिडेशन से। तो अब टास्क क्या है, वीडियो पॉज करोगे, वी लुकअप से पहले इन तीनों चीजों को कॉल करोगे, देन आप देखोगे डेटा वैलिडेशन में कि जब मैं आईडी चेंज कर रहा हूं क्या मेरा सही डेटा पुल कर रहा है एक्सेल या फिर पुल नहीं कर रहा है। I am going ahead with the solution. We look up this value, कहां पर, तो मैंने बोला ये मेरी टेबल है जहां पे मुझे जाना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट कंट्रोल शिफ्ट डाउन कॉमा, हमें कॉल करना है फर्स्ट नेम विच इज माई थर्ड कॉलम कॉमा, एंड वी आर लुकिंग फॉर एग्जैक्ट मैच, एंटर, फर्स्ट नेम आ गया। देन वी लुकअप दिस वैल्यू कहां पर, सेम टेबल के अंदर, कंट्रोल शिफ्ट राइट कंट्रोल शिफ्ट डाउन कॉमा, अब कॉल करना है ईमेल विच इज माई फोर्थ कॉलम ऑफ द लिस्ट कॉमा 4,0 एंटर, एंड देन वी लुकअप मुझे कॉल करना है उनका फोन नंबर, अगेन ये लिस्ट मेरी मैंने सिलेक्ट करी कॉमा, मुझे फोन सिलेक्ट करना है विच इज इन माई फिफ्थ कॉलम,
कॉमा जीरो। अब क्या देखना है कि जब मैं यहां डेटा वैलिडेशन में गया तो फॉर एग्जांपल अभी ड्रॉप डाउन से मैं सिलेक्ट करता हूँ 42 आईडी यहां पर एंड हो रही है, तो क्या सेम चीजें यहां पे आ रही है जो करेक्ट चीज आनी चाहिए थी। मैं सपोज ड्रॉप डाउन से 36 सिलेक्ट करता हूँ तो सारा डेटा किसका बन के आ जा रहा है मेरे पास, 36 पे जो आईडी एंड हो रही है उसका डेटा बन के आ जा रहा है। सो आई होप वी लुकअप क्लियर है, डेटा वैलिडेशन क्लियर है। डेटा वैलिडेशन की और एक एक्सरसाइज अभी मैं इसी में कवर कर रहा हूँ आगे चल के। तो डेटा वैलिडेशन क्रिएट करने का शॉर्टकट इज ऑल्ट डी एन एल, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। आप चाहो तो अपने नोट अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो वहां भी आप मेंशन कर सकते हो उसके अंदर। सो एक और एक्सरसाइज है आपके पास जहां पर आपको यूएस की दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस का एक मेट्रिक्स बना के दे रखा है, इसको हम बोल सकते हैं कि अगर शिकागो से मुझे सपोज डेनवर जाना है तो मेरा डिस्टेंस क्या है 1050। ऐसे करके पूरी मेट्रिक्स है मेरे पास। अब मेरा काम क्या है कि मुझे डेटा वैलिडेशन यूज करना है, डेटा वैलिडेशन यूज करना है इस सेल के अंदर, दैट इज B91। टास्क ये है कि जब मैं डेटा वैलिडेशन यहाँ पे बनाऊंगा और मैं ऑटोमेटिकली सिटी सेलेक्ट करूंगा, ये डैलस यहाँ पे फिक्स रहेगा। जैसे ही मैं यहाँ सिटी चेंज करूं बॉस्टन की जगह सपोज मैं शिकागो करूं, तो वो शिकागो और डैलस के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं मेरे लिए। अगर मैं सिटी को सपोज LA कर दूं तो वो LA और डैलस के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे क्या करेगा, आपके लिए ढूंढ के लाके आपको आंसर दे देगा। आपको ऐसे एक एक करके ढूंढने की जरूरत ना पड़े, ये टास्क है आपका। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो आपको डेटा वैलिडेशन बनाना है वो B91 इस सेल के अंदर बनाना है। यहां पर आपको वैल्यू को कॉल करना है। तो अब आप देखो आप कैसे इसको कॉल कर सकते हो आज की क्लास पूरी देखने के बाद। मैं वीडियो आप पॉज करके इस सॉल्यूशन के लिए बढ़ोगे आगे, मैं सॉल्यूशन कवर कर रहा हूं। तो इस सेल में मुझे डेटा वैलिडेशन लगाना है तो ऑल्ट डी एल, दिस वॉज माई शॉर्टकट। यहां पे मुझे अलाउ करनी थी अपनी लिस्ट, सोर्स क्या है लिस्ट का, तो हमने बोला सारी सिटीज का नेम चाहिए जो कि लिस्ट आपको यहां मिल जाएगी कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके, कि ये सारी सिटीज के नाम है। एंटर की दबाया एंड देन ओके, मैंने देखा यहां पे ड्रॉप डाउन बन के आ चुका है ये एरो। अब इस ड्रॉप डाउन से मेरे पास सिटीज तो आ जाएंगी सारी, कि जो सिटी मुझे चाहिए वो LA चाहिए तो LA आ जाएगा, तो वो काम मेरा हो गया। देन इस सेल का काम क्या है कि वो अब LA और डैलस के बीच का क्या पुल करके दे, आपको डिस्टेंस पुल करके दे, वो मुझे कॉल करना है। तो मैंने बोला हम वी लुकअप लगाएंगे, किस वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं, तो हमने बोला जो भी सिटी यहां लिखी है उस वैल्यू को ढूंढेंगे जाके। कहां पे ढूंढेंगे, तो मैंने कहा दिस इज द टेबल, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट कंट्रोल शिफ्ट डाउन, टेबल सिलेक्टेड है मेरी कॉमा। क्या ढूंढना है आपको, तो बोले डिस्टेंस ढूंढना है डैलस से। अब जो टेबल हमने सिलेक्ट करी है उसमें डैलस कौन से कॉलम में बैठा हुआ है, मेरा फोर्थ कॉलम में, दिस इज माय फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड दिस माय फोर्थ कॉलम, तो कॉमा फोर कॉमा एंड वी आर लुकिंग फॉर एग्जैक्ट मैच जीरो एंटर। तो अगर मैं LA, ये रही मेरी LA वाली रो, LA और डैलस के बीच का डिस्टेंस देखूं तो दैट इज 1425। और जब मैं ड्रॉप डाउन में जाके सपोज सिटी को चेंज करके बॉस्टन कर देता हूं अब, तो मैं क्या देख रहा हूं ऑटोमेटिकली मेरा डिस्टेंस चेंज होकर क्या आ गया 1815। अगर मैं इस सिटी को चेंज करके सपोज मियामी कर दे रहा हूं अभी, तो मैं देख रहा हूं मेरा डिस्टेंस ऑटोमेटिकली अपडेट होके 1332 ये निकल के आ रहा है। आगे चल के सिलेबस में ऐसा भी टूल क्रिएट कर पाएंगे कि यहां भी इंडेक्स मैच लगा दें और यहां भी इंडेक्स मैच लगा दें, और दोनों में फिर मैं ड्रॉप डाउन में कहीं पे भी ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करूं, यहां पर मेरा क्या हो जाएगा डिस्टेंस जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है, अभी जो हमारी लिमिटेशन है वो गिवन जो टूल्स अभी हमने सीखे हैं उससे अगर मुझे जाना है तो एक सिटी को मैंने फिक्स कर दिया, इस सिटी को मैंने वेरिएबल अपने डेटा वैलिडेशन के थ्रू बना दिया। फॉर एग्जाम्पल अब मैं फिर से यहाँ पे एक बार डैलस सेलेक्ट कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस क्या मेरा पुल हो गया वहां पे जीरो। सो आई होप वी लुकअप और डेटा वैलिडेशन ये दोनों चीजें आपकी क्लियर होगी। एंड वी आर कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, एच लुकअप क्या है। सो वी लुकअप और एच लुकअप एक जैसा ही काम करते हैं, फर्क इतना है वी लुकअप वर्टिकली डेटा को देखता है। वर्टिकली डेटा को देखने का मतलब ये है कि जब हम कोई भी टेबल सिलेक्ट कर रहे थे तो मैं बोल रहा था वो वर्टिकल कॉलम्स को देखता रहेगा और कॉलम नंबर आपको बताना पड़ेगा। एच लुकअप हॉरिजॉन्टली डेटा को देखता है, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग द कॉलम नंबर मैं ढूंढ रहा हूँ अपना रो नंबर कि कौन सा रो है जहां पे मुझे मेरे काम की चीज मिलेगी। उससे भी पहले ये एग्जाम्पल मैं शुरू करूं, आपके लिए फिर से एक टास्क है जो ये सेल हाईलाइटेड है मेरा दैट इज C100। आप पहले इसमें डेटा वैलिडेशन से एम्प्लॉयज के नाम के लिए एक लिस्ट बना दो। आप पॉज करके क्या करोगे, डेटा वैलिडेशन के थ्रू एम्प्लॉयज के नाम की यहाँ पे लिस्ट बन के आ जाए, ये काम आप करोगे। तो मैं जा रहा हूं ऑल डी एल लिस्ट, और लिस्ट क्या है मेरी, अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है मुझे,
तो ये रहा एम्प्लॉयज के नाम की लिस्ट, अब रो में बैठी हुई है वो। एंटर एंटर। सो मेरा डेटा वैलिडेशन से यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम मैं पुल कर सकता हूँ, टॉम आ गया, पीटर आ गया, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, वो काम तो हो गया। काम क्या है कि जब मैं जिस भी एम्प्लॉय का नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, उस एम्प्लॉय की सेल और सिटी वो मुझे यहाँ पर पॉपुलेट करानी है। तो फॉर्मूला एक ही बार लगाऊंगा कि सेल और सिटी मेरी क्या हो जाए, पुल हो जाए, बस मैं ऊपर क्या चेंज करता रहूंगा ड्रॉप डाउन से अपने एम्प्लॉय का नाम। तो अगर मैं वी लुकअप से ही स्टार्ट करूं पहले, तो वी लुकअप कहाँ फेल होगा वो बताता हूँ। तो मैंने बोला ढूंढना क्या है जाके, तो आप बोले सेल ढूंढना है, पिछले मैसेज आ रहे थे। कहाँ ढूंढना है, बोले इस टेबल में ढूंढना है, कॉमा। अब सेल कौन से कॉलम में बैठा है, तो आप देखोगे सेल तो रो वाइज चल रहा है यहाँ पे। तो ऐसे डेटा में अपने को क्या यूज करना पड़ेगा जाके, एच लुकअप, कि डेटा आपको वर्टिकली कॉलम्स में देने की बजाय डेटा कैसे दे दिया गया आपको, रोज की फॉर्म में। कि अभी तक हम जब जब डेटा देखते आए हैं, मैक्सिमम टाइम डेटा ऐसा ही मिलता है जो हम देखते हैं, वहां पर हेडर्स जो है वो आपके क्या है, कॉलम्स में बैठे हैं और डेटा उन कॉलम्स में मेरा फिल था। अब पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि जो मेरे हेडर्स हैं वो कहाँ बैठे हैं, अलग अलग रोज में, और रोज के अंदर उस डेटा को फिल करा जा रहा है, यानी डेटा मेरा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है। अभी तक डेटा मेरा वर्टिकल फॉर्मेट में था। तो वर्टिकल के लिए वी लुकअप, हॉरिजॉन्टल के लिए मेरा एच लुकअप। तो मुझे लगाना क्या है, एच लुकअप। ढूंढना क्या जाके, मैंने बोला पीटर के वाली वैल्यू को ढूंढो जाके। कहाँ ढूंढो, मैंने बोला ये टेबल है मेरा जिसमें ढूंढना है, और इसको मैं लॉक कर दे रहा हूं टेबल को, F4 दबा के, कॉमा। देन अब पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर, जो वैल्यू आप पुल करना चाहते हो सेल, वो कौन सी रो में है आपके डेटा के। तो मैंने बोला वो सेकेंड रो में है, एंड वी आर लुकिंग फॉर एग्जैक्ट मैच 0। तो पीटर ने जो सेल करी थी वो 2690 थी जो यहाँ पे कॉल हो गई। तो जो डिफरेंस आया वो डेटा के फॉर्मेट में आया, कि डेटा वर्टिकली ना होके हॉरिजॉन्टली था। तो मैंने एच लुकअप लगाया, और एच लुकअप में मैं कॉलम की पोजीशन बताने की बजाय किसकी पोजीशन बता रहा हूं, अपने रो की पोजीशन बता रहा हूं। फिर से लगाता हूं एक बार एच लुकअप, क्या ढूंढना है जाके, पीटर। कहां ढूंढना है, मैंने बोला इस टेबल में ढूंढना है, F4 से लॉक कर दिया टेबल को, कॉमा। रो इंडेक्स नंबर, सिटी मेरे डेटा के कौन से रो में है, तो मैंने बोला रो नंबर 3 में, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो पीटर के लिए आपका, आप देखोगे सिटी भी यहां पे कॉल हो गई, और सिटी कॉल हो गई। अब आप क्या देखोगे लास्ट चीज, कि अगर मैं यहाँ पे क्रिस सिलेक्ट करता हूं तो ऑटोमेटिकली क्रिस के लिए सेल और सिटी आपकी आ गई। आपने मान लो टॉम सिलेक्ट करा, तो टॉम के लिए ऑटोमेटिकली आपका सेल और सिटी निकल के आ गई। क्लियर। सो लास्ट फंक्शन जो कि बहुत छोटा सा है, पर मैं इस वीडियो में उसको भी समझा देना चाह रहा था। वी लुकअप कवर हो गया हमारा, डेटा वैलिडेशन कवर हो गया, और एच लुकअप। तो लास्ट फंक्शन में सिखाने जा रहा हूं, दैट इज कंकैटेनेट फंक्शन। व्हाट इज कंकैटेनेट फंक्शन, वो हम समझेंगे। यूजुअली कंकैटेनेट का अगर आप सिंटैक्स देखोगे, आप टाइप करते हो तो आप देख रहे हो टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 ऐसा दिखाई दे रहा है। ये फंक्शन प्योरली टेक्स्ट के लिए ही काम करता है, कि अगर आप दो टेक्स्ट को कंबाइन करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा करता हूँ, पहला टेक्स्ट यहां से उठा ले, दूसरा टेक्स्ट यहां से उठा ले, तीसरा टेक्स्ट यहां से उठा ले, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर दबाए। तो उसने क्या करा, तीनों टेक्स्ट को कंबाइन करके आपको एम्प्लॉई सेल सिटी ये लिख के दे दिया। अब मैं चाहता क्या हूं, कंकैटेनेट फंक्शन को ऐसे यूज करना चाहूं कि जो डेटा इन सेल्स में पॉपुलेट हुआ उसके हिसाब से कस्टमाइज मैसेज आ जाए। एक कस्टमाइज मैसेज मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूं, फॉर एग्जाम्पल जो सिनेरियो मुझे अभी दिख रहा, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट हो जाए कि देयरफॉर टॉम मेड अ सेल ऑफ से $1,000 इन डलास। तो ये तो मुझे मैनुअली लिखना पड़ा, क्योंकि अगर मैं इसको टॉम से उठा के यहाँ पे पीटर कर देता हूं तो मेरा सिटी भी बदल गई और मेरा सेल का फिगर भी बदल गया। तो मैं ये चाहता हूं कि जो भी मैं ड्रॉप डाउन में यहाँ सिलेक्ट करूं उसके हिसाब से एक कस्टमाइज मैसेज बार बार क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। और सपोज मैं यहाँ पे उसको डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, फिर क्या बोलना चाह रहे हैं। सो मैंने बोला यूज तो कंकैटेनेट फंक्शन करना है, तो कंकैटेनेट। सो पहली चीज देयरफॉर, हमने कहीं लिखा नहीं है देयरफॉर, किसी सेल में नहीं है, और टेक्स्ट मुझे इनपुट करना है तो कोट्स में मैं लिखूंगा देयरफॉर। देयरफॉर के बाद दूंगा एक स्पेस, कोट्स क्लोज, इक्वल टू कंकैटेनेट, कोट्स के अंदर देयरफॉर, स्पेस भी दे दूंगा साथ में और कोट्स को क्लोज कर दूंगा। क्योंकि आपने अगर नोटिस करा हो पहले, तो जब मैंने एम्प्लॉय सेल सिटी इन तीनों को कंकैटेनेट करा था तो कोई स्पेस बीच में नहीं आया था,
और मैं जब मैसेज डिस्प्ले करूंगा तो मैं हर एक लेटर के बाद क्या चाहूंगा कि एक स्पेस निकल के आना चाहिए कॉमा. सो व्हाट इज योर टेक्स्ट टू, तो मैंने बोला टेक्स्ट टू इज द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, तो वो तो मैं सेल के रेफरेंस से यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा कॉमा. फिर क्या चाहिए आपको, तो मैंने बोला ये फिर एक सेल मेड अ सेल ऑफ, ये मेरा टेक्स्ट है तो इसको मैं यहाँ पे ले दूंगा सपोज मेड अ सेल ऑफ. और एक और चीज मैं यहाँ पे कर दे रहा हूं, स्पेस यहाँ पे दे दिया कि मेड से पहले भी मैं एक स्पेस दे दे रहा हूं, क्योंकि वो स्पेस जो हमने सी हंड्रेड से लेके आएंगे वो क्या होगा टेक्स्ट होगा, वहां स्पेस आ नहीं रहा है. तो कॉमा फिर से अब क्या सिलेक्ट करना है, तो मैंने बोला डॉलर, डॉलर साइन मेरा तो यहां लगा नहीं है तो ये भी यहीं पे कर देते हैं ऑफ डॉलर स्पेस के बाद डॉलर. देन नेक्स्ट चीज का सिलेक्ट करनी है मुझे सेल का अमाउंट, वो यहां पर आ गया कॉमा. कोट्स के अंदर क्या लिख दूं मैं, एंड स्पेस कोट्स क्लोज कॉमा. लास्ट चीज क्या वो पब्लिश कर दे सिटी, मैंने एंटर दबाया तो यहाँ पे लिखा हुआ आया देयरफॉर पीटर मेड अ सेल ऑफ 2690 इन टोरंटो. और आप देखोगे 2690 और इन के बीच में स्पेस नहीं है बिकॉज मैंने इनके पहले स्पेस नहीं दिया था यहाँ पे. अब आप देखोगे प्रॉपर मैसेज आपका डिस्प्ले हो रहा है. इवन अगर मैं पीटर को चेंज करके ड्रॉप डाउन से टॉम कर देता हूँ तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपका मैसेज चेंज हो गया कि देयरफॉर टॉम मेड अ सेल ऑफ $1000 इन डॉलर. मैंने इसको केट सेलेक्ट कर लिया तो मेरा मैसेज भी ऑटोमेटिकली कस्टमाइज हो गया. और क्या लिखा हुआ आ रहा है, जो जो इनपुट ऊपर से मिल रहा है उसके हिसाब से आपका मैसेज यहाँ पर कस्टमाइज होता चला जा रहा है. सो दिस इज हाउ वी विल बी यूजिंग कॉनकैटेनेट फंक्शन. सो अब टास्क क्या है, क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री तीन क्लासेस आप देख चुके हो, उन तीनों क्लासेस के बेसिस पर दिस इज योर डू इट योरसेल्फ एक्सरसाइज. आपका टास्क है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना. डेटा वैलिडेशन वी लुकअप भी लगेगा, मेजोरिटी चीजें आज की क्लास से ही आएंगी बट पुरानी दो क्लासेस का भी इसके अंदर प्रॉपर यूज होगा. सो टेक योर टाइम, पहले आप रिवाइज कर लेना सारे कॉन्सेप्ट्स को, देन यू विल स्टार्ट डूइंग दिस डू इट योरसेल्फ एक्सरसाइज. थैंक यू.